हेलो, आज मैं आपको बोलने वाला हूं गुस्सा कंट्रोल कैसे करें। होता क्या है कि हमारे वातावरण में काफी सारी घटनाएं होती रहती है, लोग रहते हैं वातावरण में, और हमें वातावरण से या लोगों से कुछ अपेक्षाएं रहती है कि व्यक्तियों ने मेरे से ऐसा बर्ताव करना चाहिए, लोगों ने मुझसे ऐसा बोलना चाहिए, लोगों ने मुझे मान सम्मान देना चाहिए, लोगों ने मुझे इस तरह से बुलाना चाहिए। मतलब कुछ भी हो सकता है कि भाई लोगों से मुझे अपेक्षा रहेगी। फिर दूसरा एक कारण रहता है कि मुझे कोई, मेरे दिमाग में कोई सफलता हासिल करने के लिए कोई दिमाग में है, या कोई मुझे लक्ष्य हासिल करने का है, और वो लक्ष्य हासिल करने के लिए फिर मुझे रोक दिया जाता है सिचुएशन से। ऐसी कोई घटना होती है कि मैं वो जो चाहिए, जो मेरा मकसद है, वो मैं पूरा नहीं कर सकता हूं। तो एक वो कारण हो सकता है कि मकसद पूरा नहीं होना। और तीसरा कारण जो होता है कि मुझे लोगों से कुछ कहना है, मगर मैं वो कहता नहीं, मैं फ्रेंकली लोगों से बातचीत नहीं करता, जो बोलना है वो रोक के रखता हूं। संवाद जो है तो वो लोगों से मैं संवाद नहीं कर सकता, संवाद से बातचीत नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, जो बोलना है वो मैं रोक के रखता हूं अपने दिमाग में कि मैं कैसा बोलूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं समझो किसको बोलूं तो मुझे तो डर लगता है कि वो नाराज हो जाएगा मैं ऐसा बोलूंगा तो, या फिर मुझे ऐसा डर लगता है कि वो गुस्सा करेगा और कुछ मुझे कुछ उल्टा बोलेगा, गुस्सा करेगा तो फिर झगड़ा हो जाएगा, तो इसलिए वो डर के मारे बोलो, या वो नाराज हो जाएगा, वो प्यार है उसके लिए बोलो। मतलब कुछ ना कुछ कारण ऐसा है कि मैं वो कम्युनिकेट नहीं करता, वो बातचीत नहीं करता। तो वातावरण में ऐसी कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती है, घटनाएं होती रहती है। अभी उसको मुझे क्या रिएक्शन देने का है, जब एक्शन होती है तो उसको मुझे रिएक्शन क्या देने का है, चॉइस मेरा है। अभी मैं चॉइस देने के समय, मतलब वो रिएक्शन देने के समय मैं जो चॉइस करता हूं, अभी एक तो ऐसा हो सकता है कि मैं ये सोचूं कि मैं जो भी इसका रिएक्शन दे रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा, क्या मुझे सामने वाला दुखी हो जाएगा मैं कुछ बोलूंगा तो, या मैं उसको कुछ बोलूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, वो खुश होगा। मगर ऐसा होता ही नहीं है। क्या होता है कि कुछ ना कुछ घटना होती रहती है और मैं बिना सोचे समझे एकदम फटाक से झट से एकदम रिएक्शन दे देता हूं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो रिएक्शन दे देता है, मैं गुस्सा हो जाता हूं और फिर वो गुस्सा मेरे कंट्रोल में रहता ही नहीं। तो जैसे मैंने बोला कि मेरी रिएक्शन होती रहती है, और उसके जो कारण मैंने बताया कि भाई अपेक्षाएं मेरी पूरी नहीं होती लोगों से, या मेरा मकसद जो है वो पूरा नहीं होता, या लोगों से मैं बातचीत करना जो है वो रोक देता हूं, या फिर कोई मेरा इंसल्ट कर देता है, मेरी जो आइडेंटिटी, मेरा जो ईगो है उसको वो हर्ट कर देता है, या मुझे कोई मान सम्मान देता नहीं है। मतलब ऐसी कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है कि जिसकी वजह से मुझे बुरा लगता है और मैं एकदम गुस्सा कर लेता हूं। तो अभी गुस्सा, यदि मैंने आपको बोला कि गुस्सा, आप कमरे में जाओ और गुस्सा करो अकेले, या अभी मैंने किसको बुलाया कि आ जाओ भैया और गुस्सा करो, बोलेगा ऐसा कैसा गुस्सा आएगा, ऐसा कैसा गुस्सा करूंगा, कुछ कारण तो होना। मतलब ये पक्का सभी को मालूम है कि कुछ कारण बिना गुस्सा आता नहीं है, कुछ ना कुछ कारण होना जरूरी है। तो जब कारण है, मतलब कारण कहां पैदा होता है, कारण वातावरण में पैदा होता है। तो फिर जो भी वातावरण में हो रहा है, गुस्सा ये मेरी उसको देने वाली एक प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है। तो वातावरण में कुछ हुआ, मैंने रिएक्शन दिया, गुस्सा हो गया। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब यह है कि मेरा गुस्सा आना या नहीं आना ये किसके हाथ में है, ये बाहर के वातावरण के हाथ में, लोगों के हाथ में। मतलब मेरे गुस्से का रिमोट कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में, लोगों के हाथ में। मतलब कुछ तो भी हो जाता, मेरे दिमाग में कुछ ना कोई ऐसे कॉन्वर्सेशंस, ऐसे दिमाग में मेरे कुछ ना कुछ विचार आते हैं, और वो विचार आने के बाद में मतलब कुछ तो भी हो जाता, मैं मेरे से कुछ तो भी बोलता हूं, कुछ सेकंड के, कुछ मिली सेकंड, कुछ नैनो सेकंड के भीतर, उसके अंदर
ऐसा कुछ मेरे से बातचीत मेरी हो जाती है और एकदम फटाक से मैं गुस्सा कर लेता हूं। गुस्सा मेरे कंट्रोल में है नहीं। महात्मा गांधी जी ने ऐसा बोला था कि नो वन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ कैन मेक मी एंग्री अनलेस आई परमिट हिम टू डू सो। मतलब ये दुनिया में मुझे गुस्सा देने वाला दिलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है क्योंकि मैंने वो अधिकार किसको दिया ही नहीं। ये कैसा हो सके कि मैं गुस्सा मेरा जो गुस्सा है वो उसका रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में होंगे। हाँ गुस्सा आएगा मुझे मगर वो गुस्सा जब मैं चाहूंगा तो गुस्सा आएगा, जब लोग कुछ करेंगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ये कैसे होगा? मेरा रिमोट कंट्रोल जो है वो मैं लोगों के हाथ में ना देते हुए मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा, मतलब मैं उसको रिएक्शन दूंगा ही नहीं। अब ये गुस्सा कम करने के लिए लोग बोलते हैं कि अलग अलग कुछ कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट बताया है कि जब गुस्सा आता है तो 1 से 10 तक गिनती किया करो, या पानी का 1 गिलास मतलब पियो ताकि आप गुस्सा नहीं करेंगे, या वहां से निकल जाओ बाहर, या अपना लक्ष्य विचलित करो। ऐसा अलग 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 तरीके लोगों ने नुक्स बताए हुए हैं कि ऐसा ऐसा करो। वो ये देखना है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए ऐसा क्यों बोलते हैं लोग। पहले ये देखो गुस्सा नहीं आना चाहिए इसलिए कि देखो आप अपसेट, गुस्सा आया मतलब आप अपसेट हो गए। तो समझो कल्पना करोगे एक चेयर है यहां और चेयर सेट है। अब वो जो चेयर है वो बैठने के काम की है, मतलब उसके ऊपर बैठा जाता है। अभी मैंने उसको नीचे गिरा दिया मतलब मैंने वो चेयर को भी अपसेट कर दिया। क्या अभी चेयर वो काम की है? बिल्कुल काम की नहीं है क्योंकि अभी उसके ऊपर कोई बैठ नहीं सकता। जब आप अपसेट हो जाते हो तो आप काम के रहते नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी निकल जाती है, उत्पादन क्षमता आपकी निकल जाती है, आपकी कैपेसिटी काम करने की निकल जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और आप हो सकता है कि आपका गुस्सा 1 घंटा रहा होगा या रहता होगा, 1 दिन रहता होगा या 2 दिन रहता होगा, आप उस समय उतना अच्छा काम नहीं कर सकते। गुस्से से लोग भी परेशान हो जाते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, अपने संबंध लोगों से खराब हो जाते हैं। गुस्सा जब आता है तो ब्लड प्रेशर बहुत सारा बढ़ता है, अपना स्वास्थ्य खराब हो जाता है। सबसे मेन जो है वो लोग टूट जाते हैं अपने से, क्योंकि बहुत गुस्से वाले जो लोग रहते हैं उनके दोस्त कम रहते हैं, उनके पास में जाना लोग पसंद नहीं करते, इसलिए लोग भी टूटे जाते हैं। हमको ये देखना है कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल कैसे करें। आप रेगुलरली यदि सम्मोहन उपचार करते हो, हिप्नोटिज्म हिप्नोथेरेपी, और खुद को सूचनाएं देते हो, सूचनाएं देके स्व सम्मोहन उपचार सेल्फ हिप्नोसिस करना और सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशंस देना, बार बार सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हैमरिंग करना ताकि सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट ना करे किसी को, कोई चीज को रिएक्ट नहीं करेगा, इस तरह से उसको अफर्मेशन देना सबकॉन्शियस माइंड को। एक तो वो हेट्रो हिप्नोटिज्म में होता है, मतलब मैं हिप्नोटाइज करूंगा तब वो होता है, या फिर मैं सिखाता हूं कि सेल्फ हिप्नोटिज्म कैसे करना और उससे गुस्सा कैसे कंट्रोल में करना। दूसरा एक तरीका उसका ऐसा है कि जब जब ऐसी कोई चीज या कोई वातावरण में कोई घटना ऐसी हो जाती है तो हमने ये देखना है कि भाई मुझे गुस्सा आया क्यों, और गुस्सा जब आता है मतलब आता है मतलब क्यों आता है भाई, और फिर गुस्सा यदि आता है तो ठीक है आया तो आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब गुस्से में रहने का नहीं, तो फिर जो भी है वो सीधी सीधी साफ साफ बात लोगों से करना है। समझो आपने किसी से बोलना टाल दिया है तो बोलना चालू करो, अपना मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो लोगों से कांटेक्ट करके बताओ कि मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, लोगों ने आपका अपेक्षा भंग किया होगा तो आपकी अपेक्षा लोगों से क्या थी वो बताओ, मतलब जो भी उसके कारण होंगे तो उस समय लोगों से बातचीत करो। होता क्या है कि जब गुस्सा आता है तो हम पहला जो काम करते लोगों से बातचीत बंद कर डालते हैं। पति पत्नी जब एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं तो पहला काम ये होता है कि दूसरे से पहले बातचीत बंद कर देते हैं। सोते हैं तो दोनों के बीच में बहुत तकिए रहेंगे, एक काम उधर दूसरे काम इधर रहेगा। मैं हरदम बोलता हूं कि जब जब गुस्सा आता है जब जब अपसेट हो जाते हो तो पहला काम ये करना है कि ऑलवेज बी इन कम्युनिकेशन ABC, ऑलवेज बी इन कम्युनिकेशन, बातचीत कभी भी बंद नहीं करने का, क्योंकि बातचीत बंद करेंगे तो फिर वो अपसेट कायम रहता है। यदि बातचीत आप चालू रखेंगे तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। जो कम्युनिकेशन बंद है उसके ऊपर बातचीत करके आप उसका हल निकाल सकते हैं,
आप कहाँ दुखी हुए, क्या हुआ, मन की बात आप तो इसको बोल देते, मन हल्का कर देते तो गुस्सा कम हो जाएगा। दूसरा और आपने देखना है कि गुस्सा आने के पहले, वैसे ही देखना है कि गुस्सा आने के बाद में मैंने 30 सेकंड के ऊपर गुस्से में रहने का नियत तय कर, गुस्सा आएगा ही नहीं ऐसा नहीं बोलने का, ठीक है गुस्सा आएगा मगर 30 सेकंड में गुस्से में रहने का अधिकार आपको नहीं दिया है या मुझे, मैंने अधिकार नहीं दिया है, मैं गुस्से में रहूंगा सिर्फ 30 सेकंड और उसके बाद में गुस्सा बाजू करके काम काज चालू करूंगा। तो गुस्सा आना ही नहीं ऐसा नहीं है, आ गया तो ठीक है आने दो मगर मैं 30 सेकंड के ऊपर या 2 मिनट के ऊपर या 5 मिनट के ऊपर गुस्से में रहूंगा नहीं, वहां से मैं बाहर आ जाऊंगा, ऐसा अपने आप से तय करो। स्वसम्मोहन उपचार, काउंसिलिंग है, फिर अफर्मेशन है, इससे आप गुस्से के ऊपर काबू पा सकते हो। आप इससे ज्यादा जानकारी चाहिए और तो हमारे वेबसाइट को विजिट करो, यूट्यूब पे हमारे काफी सारे वीडियोस है, उसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।